Hello dear students, regarding medical admission, and today we have came with a video regarding that final fifth round of MCC special stray vacancy round. आज एक खुशखबरी लेके आए हैं हम लोग. आप लोग कैसे हैं जो स्पेशली नीट के लिए, नीट यूजी 2021 के लिए एडमिशन के लिए देख रहे थे, जिनका अभी तक गवर्नमेंट में या फिर दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लगा, उसके लिए आज ये बहुत ही बड़ा जो है नोटिस 18 तारीख को आ चुका है और ये नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा, एमसीसी द्वारा जारी किया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेस हेल्थ सर्विसेज. सो यहाँ पे ये नोटिस बताता है कि कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन द यूजी काउंसिलिंग 2021, जिनको अभी तक चांस नहीं मिला कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनका अभी एक सुनहरा मौका है. इंडिया में अभी भी 325 सीट्स वैकेंट है, फुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी सीट्स है उसके अंडर में. इसमें ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स और जिपमार, इसमें वैकेंट सीट है. हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ 5, 6, 7, 8 करके कुछ कॉलेजेस में जो है 2, 3, 4 करके सीट खाली है. उसके बेसिस पे अभी स्पेशल स्ट्रे मॉपअप राउंड बुलाया गया है. तो यहाँ पे नोटिस देख लेंगे, इसके बाद में आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा और तो हम लोग बताते हैं एक एक करके नोटिस के बारे में. सो हाय, माई सेल्फ सत्यव्रत विश्वास, सो मेडिकल काउंसिलर एंड इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच. सो टुडे वी केम विथ दिस नोटिस ऑफ एमसीसी. देख लेते हैं नोटिस के बारे में. जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, 325 सीट्स वैकेंट है, उसके लिए अभी जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला 20 तारीख से. यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. जिन्होंने ऑलरेडी एमसीसी में रजिस्टर कर चुके हैं 10,000 रुपीज़ दे के या फिर 2 लाख रुपीज़ दे के, बोथ जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है. फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल नॉट टेक प्लेस इन द स्पेशल वैकेंसी राउंड. तो जिन्होंने सिर्फ पहले किया है रजिस्ट्रेशन वही एंट्री कर सकते हैं. हाँ, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी आर रिक्वायर्ड, कोई भी कैटेगरी के लिए छूट नहीं है. यहाँ पे रिफंडेबल एक सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 का देना है. यही इसीलिए लगाया गया है कि ताकि किसी भी स्टूडेंट को अभी ये राउंड में अगर सीट लेना है तो ये सीट ले लेंगे, अदरवाइज रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जिनको मिला है वहाँ पे उनका मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है सीट मिलने के बाद इनका फॉरफिटेड हो जाएगा. तो ये जिनको सीट मिलेगा लेकिन अगर सीट नहीं लिया, एलोटेड सीट में रिपोर्ट नहीं किया, तो इनको 50,000 रुपये इनको और नहीं मिलेगा. कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट और आइदर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट. यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है, किसी ने सीट ऑल इंडिया कोटा में हो या फिर अपने अपने स्टेट में, अगर इनको सीट अभी तक नहीं मिला, जैसे कि अभी जो 500 अराउंड है जिसको मिला है, तो जिनको नहीं मिला 520, 525, 550 तक जिनको नहीं मिला, उनको अभी लास्ट राउंड में सीट मिलने का संभावना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास में रिक्वेस्ट लेके आते हैं जिनका 567 मार्क है, 550 मार्क्स है, इन्होंने सिर्फ अपना स्टेट कोटा में किया था या फिर अपने स्टेट के में सिर्फ गवर्नमेंट दिया था तो उनको चांस नहीं मिला. इनके लिए एक सुनहरा अवसर है, आप ये जो राउंड है उसमें आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है. कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलॉटेड सीट स्पेशल एंट्री विल हैव टू रिपोर्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन द सीट ऑन विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. लेके इनको जाना पड़ेगा और ज्वाइन करना पड़ेगा डेट पे, डेट के हिसाब से जो मैट्रिक्स है और वो भी हम लोग आपको बताएंगे. कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड विल हैव टू फर्निश अंडरटेकिंग विद द रेस्पेक्टिव अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग. ये चॉइस फिलिंग एमसीसी के पोर्टल पे जाके एक एग्री करना पड़ेगा आपको, एक अंडरटेकिंग जिसमें बताया गया है कि आई एग्री टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड ऑफ नीट यूजी काउंसिलिंग एंड आई अफर्म दैट दैट आई एम नॉट होल्डिंग एनी सीट इन द प्रीवियस राउंड्स ऑफ काउंसिलिंग. आपको अगर पहले सीट नहीं मिला एंड आई अंडरस्टैंड दैट दिस सीट्स आर प्रीशियस इन नेचर, हैंस इफ आई एम अलॉटेड ए सीट ड्यूरिंग द स्पेशल स्ट्रे राउंड आई विल ज्वाइन द अलॉटेड सीट. If due to any reason I do not join allotted seat,
माई सिक्योरिटी डिपोजिट ऑफ 50,000 विल बी फोरफिटेड एंड एनी एक्शन इंक्लूडिंग लीगल एक्शन में बी टेकन बाई द कंपिटेंट अथॉरिटी। सो मतलब आपको जिसको सही में ज़रूरत है आप लोग एंटर कीजिए, या फिर आपका मार्क्स मेरे जो तजुर्बा है उसकी मैं बोल सकता हूँ, आपके मार्क्स अगर एटलीस्ट आपका जनरल कैटेगरी आकर एटलीस्ट 450 से नीचे है आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस कम है। हालाँकि SC ST अगर होगा या फिर कोई PWD होगा, कोई रिजर्वेशन में होगा, तो इनको ये सीट्स EWS में होगा तो इनका मार्क्स भी कम हो सकता है, 450 से भी कम में भी मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है। इसमें आपको एम्स के भी है, दूसरे स्टेट के भी मेडिकल कॉलेजेस उपलब्ध है, और यहाँ पे ये एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है प्रीवियसली रजिस्टर्ड अगर किसी ने हुआ वही एलिजिबल है। अगर एक कैंडिडेट ऑलरेडी अलॉटेड हो गया और ज्वाइन किया कहीं पर तो ये राउंड के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड इन द सीट इन द ऑल इंडिया कोटा मॉप अप राउंड ऑल्सो स्टे वैकेंसी राउंड ऑल्सो फ्रॉम द 1st April टू 11th April बाई द MCC अर्लियर बट डिड नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट। जिनको अभी मॉप अप राउंड में सीट अलॉट हुआ था बट ज्वाइन नहीं किया, ये लोग भी यहाँ पर बैठ नहीं सकते। सो यहाँ पे यही रह गया आपका नोटिस। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि अभी जो शेड्यूल है ऑफ एप्लीकेशन 20 से 21 तारीख तक इसका जो डेट लग रहा है, चॉइस फिलिंग लग रहा है, हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे MCC रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ओनली यहाँ पे लास्ट राउंड में स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में अप्लाई कर सकता है। काउंसिलिंग फीस पेमेंट जो है गवर्नमेंट को 50,000 रुपीज़ जाएगा, और 20 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक आपको वैकेंट गवर्नमेंट से 325 नंबर्स पे आपको अप्लाई वहाँ पे कर देना है। तो देख लेते हैं अभी शेड्यूल क्या आया है उसके ऊपर, MCC का शेड्यूल देख लेते हैं। Schedule of online counseling for special stray vacancy round for UG MBBS seats in 2021। ये पहली बार है पूरे नीट के इतिहास में जो 5th round गवर्नमेंट की ओर से स्ट्रे वैकेंसी राउंड किया जा रहा है। हालांकि दूसरे सालों में क्या होता था कि कॉलेज राउंड में छोड़ दिया जाता था सीट और ऑल इंडिया सीट जो है स्टेट में कन्वर्ट होता था और उसी स्टेट के स्टूडेंट को मिलता था। इस बार वैसा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम बाई टाइम आफ्टर 14th April जो नोटिस गया है उसके अप्रूवल अकॉर्डिंगली यहाँ पे DGSS विल कंडक्ट दिस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड फॉर 325 MBBS वैकेंट सीट फ्रॉम 20th April। सो आपको जो आपका जो ऑलरेडी MCC में जो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है उसमें आप MCC में जाके आप 5th round के काउंसिलिंग में 20 तारीख से लेके 21 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको चॉइस फिलिंग देना पड़ेगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा 3 o'clock इन द PM ऑफ दैट डे एंड अप टू 31st of April यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, और सेम डे तक 21st April रात को 12 बजे तक आपको यहाँ पे जो है आपका चॉइस लॉकिंग भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपको जिनको कोई भी सीट अगर गवर्नमेंट का मिलना हो तो हालांकि इनको फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा उनको पहले नहीं मिला, तो ये 2 दिन आपको टाइम मिलेगा, आपको चॉइस फिलिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीटों पे देना है ताकि आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। और अगर कोई इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए और आपको कोई उसका कॉलेज अच्छा है, उसका रिपुटेशन अच्छा है, उसके बारे में बात करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, तो उसमें व्हाट्सएप या फिर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे जो है ना काउंसिलिंग फ्री और पेड काउंसिलिंग दोनों उपलब्ध हैं। DigiSkill Academy आपको सटीक जानकारी देता है काउंसिलिंग के बारे में और निष्पक्ष तरीके से आपको हेल्प करता है। बहुत सारे स्टूडेंट, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर सजेशंस। सो प्रोसेसिंग ऑफ यहाँ पे चॉइस लॉकिंग करने के बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट यहाँ पे 22nd of April को प्रोसेस होगा एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आएगा 23rd April को। सो गेट रेडी फॉर योर रिपोर्टिंग कॉलेज 24th April से लेके 28th April तक। आपको जहाँ पे आपके स्टेट में हो, दूसरे स्टेट में हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, यहाँ पे अगर आपको रिपोर्ट करना है तो यहाँ पे 24th, 5th, 6th, 7th और 28th ये 5 दिन में आपको लेना है और 5 बजे तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो ये रहा आपको जो शेड्यूल ऑफ काउंसिलिंग दिया गया है उसके बेसिस पे। आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। अब देख लेते हैं एक जल्दी से कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितने कितने स्टेट में कितनी कितनी सीट उपलब्ध है। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अगर सीट मैट्रिक्स हम लोग देखें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए जो है
हर कॉलेज में आंध्र प्रदेश का मिला के लगभग 12-13 सीट खाली हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, या फिर आसाम में एक सीट खाली है, बिहार में जो है यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सीट, 10, 11, 12 यहाँ पे अराउंड 25 सीट ओपन है। यहाँ पे ओपन सीट, ओबीसी सीट, ईडब्ल्यू सीट डिफरेंट कॉलेज में आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो देख के यहाँ पे देख सकते हैं कौन से कॉलेज में, आप लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को, तो आपको कौन से कॉलेज में कितने कितने सीट बाकी है आप देख लीजिए। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 6 कॉलेजेस में सीट बाकी हैं। दादर नगर हवेली में यहाँ पे एक कॉलेज में एक सीट खाली है। दिल्ली में यहाँ पे NDMC हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, या फिर यहाँ पे 2 सीट ओपन है। गोवा में एक सीट ओपन है। गुजरात में यहाँ पे ST के लिए एक, OBC के लिए एक, यहाँ पे गुजरात में 4 कॉलेज में सीट ओपन है, खाली है। हरियाणा में यहाँ पे आपको 7 कॉलेजेस में सीट खाली है, सभी कॉलेज में एक दो सीट खाली है। यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश दिख गया है, हिमाचल प्रदेश में सीट खाली है। झारखंड में बहुत सारे कॉलेजेस नहीं है, तो यहाँ पे 3 कॉलेजेस में सीट ओपन है। कर्नाटका, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हर एक कॉलेज में एक सीट खाली है। ESIC मेडिकल कॉलेज में 2 सीट खाली है यहाँ पे कर्नाटका में, और मैसूर मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे OBC के लिए 2 सीट खाली है, और कर्नाटका और भी बाकी अटल बिहारी कॉलेज में 2 सीट खाली है, बाकी में एक सीट खाली है। केरल में काफ़ी कॉलेजेस में लगभग एक सीट खाली है, हर एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में यहाँ पे केरल में बहुत सारे सीट ओपन हैं। और मध्य प्रदेश में भी आपको कोई कॉलेज में 2 सीट, कोई कॉलेज में 1 सीट बाकी है। और यही करके अगर हम लोग महाराष्ट्र की ओर देखें तो वही सिचुएशन है, और बहिराम जी कॉलेज में 3 सीट सबसे ज़्यादा OBC के ओपन है, बाकी सब में जो है एक सीट ओपन है। तो रुक करते हैं वैसे कॉलेजेस में, हम लोग अगर देख लेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र में काफ़ी बहुत सारे कॉलेजेस जिसमें दो तीन सीट खाली हैं। मिजोरम में 1 सीट OBC EWS के लिए ओपन है। यहाँ पे उड़ीसा में जो कॉलेजेस है एक सीट खाली है। पुडुचेरी में यहाँ पे ओपन है। पंजाब में यहाँ पे सब कॉलेज में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में 2 सीट ओपन है OBC। ऐसे राजस्थान में भी एक सीट खाली है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे जैसलमेर रोड बाड़मेर में जो है ना 3 ओपन सीट है। यहाँ पे आप लोग वही देख लीजिए कि हर एक कॉलेज में आप यहाँ पे MCC की वेबसाइट में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, हम चाहे तो हम आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कीजिए हमारे डिस्क्रिप्शन के नंबर पर। हर एक कॉलेज के जो है यहाँ पे कितनी सीटें मैट्रिक्स दिया गया है, आखिर में देखते हैं हर एक स्टेट के बाद में। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी सीट दिया गया है, यहाँ पे जो दो तीन सीट, एक दो सीट ओपन है। लास्ट में ओपन कैटेगरी सीट में जो है एम्स के लिए जो भी है, एम्स के लिए आपको कुछ सीटें खाली है। एम्स राजकोट, एम्स पटना, एम्स गुवाहाटी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में भी सीट ओपन है, और एम्स देवघर में ओपन है सीट, महाराष्ट्र एम्स नागपुर में ओपन है, उड़ीसा के भुवनेश्वर एम्स में एक ओपन PWD के लिए सिर्फ है। जिपमार में देखिए OBC के लिए 8 सीट खाली है। ये कराईकल जिपमार में बहुत सारे सीट OBC के लिए ओपन है, ओपन कैटेगरी के लिए 8 सीट हैं पुडुचेरी में, और यहाँ पे SC के लिए 2 सीट ओपन है। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं कि यहाँ पे लगभग 18 सीट जो है जिपमार में ओपन है। और यहाँ पे तमिलनाडु में भी एम्स मदुराई में यहाँ पे OBC और ओपन मिला के SC मिला के यहाँ पे 13 सीट ओपन है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड चांस फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गिन, जिनको अभी साधारण कॉलेज भी नहीं मिला उनको भी अभी एम्स मिलने का चांस है। तो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एम्स कल्लानी में 1 सीट ओपन है, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में एम्स में एक सीट ओपन है। तो अभी इसके द्वारा हम लोग टोटल यहाँ पर सीट से देख लिया कि हमारे को कितने सीट ओपन है और आप कैसे एंट्री कर सकते हैं। कोई भी जानकारी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, तो कि आपको जानकारी मिले और दूसरे को भी जानकारी मिले। तो इसके साथ में अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको कोई भी जानकारी है तो आप फटाफट आपका नंबर से हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, तो हम आपको और कहाँ कहाँ पर एडमिशन हो सकता है, कम में होगा, ज़्यादा में होगा, फीस स्ट्रक्चर कहाँ पर क्या रहता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। अच्छे से ख्याल रखिए खुद का। मैं सत्यव्रत बिस्वास आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।